दोस्तों आज फिर एक पूरा एनालिसिस और रिसर्च करके बेस्ट 5G फोन्स अंडर 15,000 की रेंज में लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम टॉप 3 फोन्स के बारे में बात करेंगे जो इस कैटेगरी के बेस्ट फोन्स हैं। पिछली बार की तरह ही ये वीडियो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, बेस्ट गेमिंग फोन, बेस्ट कैमरा फोन, बेस्ट ऑलराउंडर फोन। तो दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो के बेस्ट गेमिंग फोन की, पाइको Z6 5G। दोस्तों ये इस कैटेगरी का बेस्ट गेमिंग के लिए 5G फोन है और अगर आपका बजट 12 से 13,000 के बीच है तो आप इसका लाइट वर्जन ले सकते हैं जो 14 सितंबर को लॉन्च हो जाएगा। उसमें भी सेम फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, तो इन दोनों में से अपने बजट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा आपको लेना है। अब बात करते हैं आईकू G6 के फीचर्स की। इसमें हमें क्वालकॉम का 695 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है 6nm फैब्रिकेशन के साथ, जो कि एक डिसेंट प्रोसेस। ये फोन केवल गेमर्स को टारगेट कर रहा है, तो जो एक गेमिंग के लिए 5G फोन लेना चाह रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं, लेकिन आपको 5G बैंड्स के साथ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसमें हमें 2 5G के बैंड्स देखने को मिल रहे हैं। 6.5 इंच की 120 हर्ट्ज के साथ फुल HD IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। कैमरा में हमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी देखने को मिलेगा। कैमरा भी डिसेंट रहने वाला है। 5000 mAh की बैटरी 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। इसका बेस वेरिएंट 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको 15,000 की रेंज में देखने को मिल जाएगा इस सेल में। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने लिस्ट के बेस्ट कैमरा फोन की, Realme 9 Pro 5G। इसमें हमें 6.6 इंच का फुल HD IPS LCD पैनल देखने को मिल रहा है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। एक बेस्ट डिसेंट डिस्प्ले है इस प्राइस रेंज में। इसमें हमें क्वालकॉम का 695 प्रोसेसर 8nm फैब्रिकेशन के साथ मिल जाएगा। परफॉर्मेंस में भी ये फोन आपको निराश नहीं करेगा। 5000 mAh बैटरी 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग के साथ सॉर्ट करेगी। इसकी एक डाउनसाइड ये भी है कि इसमें हमें 5G के बैंड देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं इसके मेन फीचर की। इसमें हमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है। 16 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी देखने को मिलती है। दोस्तों ये फोन 20,000 की रेंज में लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी इसका प्राइस 14,999 देखने को मिल रहा है। तो इस बजट में ये एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन है और बेस्ट कैमरा फोन भी। और दोस्तों ये सभी फोन्स ऑफर लगाने के बाद ही प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों सभी फोन्स के बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही लगातार ऑफर्स की लिस्ट मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बात करते हैं अपने ऑलराउंडर फोन की, मोटो G71 5G। दोस्तों इसमें हमें क्वालकॉम का 695 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है 6nm फैब्रिकेशन के साथ, जो कि एक डिसेंट प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में। डिस्प्ले में हमें 6.4 इंच की 60 हर्ट्ज के साथ एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है। एक बेस्ट डिस्प्ले है इस प्राइस रेंज में। एमोलेड डिस्प्ले अब तक इस लिस्ट के किसी भी फोन में देखने को नहीं मिली है। कैमरा में हमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh बैटरी 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग के साथ इसमें हमें 13 5G के बैंड्स देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों मोटो का ये फोन एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है अंडर 15,000 की रेंज में 5G फोन्स की लिस्ट में।